Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको पता है कि यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 12 एग्रीकल्चर आपको लगातार सिलेबस कराया जा रहा था। अब बेटे, अब हमारा जो सिलेबस है वो समाप्ति की ओर है और हम आज बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर के टॉप एग्रोनॉमी के टॉप 25 क्वेश्चन की, जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन टॉप 25 में से आपको मिलेंगे। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको करना क्या है। देखो, एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट कौन सा बेटा आपका? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में विकल्प क्या पढ़ना है आपको? विकल्प प्लस अति लघु, विकल्प प्लस अति लघु, ये काम बेटा आपको हर चैप्टर के पढ़ना है। विकल्प और अति लघु क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट पता होने चाहिए, क्योंकि 5 नंबर के आते हैं विकल्प और 5 नंबर के आते हैं आपके पेपर में अति लघु क्वेश्चन। यानी 5 नंबर तो आपको मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे विकल्प के, ऑब्जेक्ट आएंगे और 5 नंबर आपको आए मिलेंगे काय का? वन लाइनर क्वेश्चन का। तो ये 10 अंक के लिए आप इस चीज की तैयारी करोगे, किसकी? विकल्प की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अति लघु क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अति लघु बोलो या निश्चित बोलो, ठीक है, निश्चित में आते हैं आपके 5 आपसे निश्चित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 होंगे वो 2 नंबर के, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो मैंने जो टॉप 25 क्वेश्चन सेट करे हैं, टॉप 25 क्वेश्चन में इतना मटेरियल आपका नहीं है। कितना मटेरियल बेटा? इतना मटेरियल मैंने आपको सेट नहीं करा है, लेकिन हाँ, जो टॉप 25 क्वेश्चन दूंगा मैं, जो आपको बताऊंगा, उनमें इनमें में से भी फंस जाएगा, उन्हीं 25 क्वेश्चनों में भी फंस जाएगा ये वाले जो क्वेश्चन है वो भी। लेकिन आपको डीपली तैयारी करनी है, अच्छे से आपको पढ़ना है। 5 नंबर के इसके लिए, 5 × 5 = 10 और 10 × 2 = 20 नंबर के लिए। अब जो टॉप 25 आपको क्वेश्चन दूंगा वो दूंगा मैं टोटल 30 मार्क्स के लिए। कितना? 30। मैं आपको 30 मार्क्स के लिए दूंगा। कौन से? जो 4 अंक का क्वेश्चन बनता है और जो 6 अंक का क्वेश्चन बनता है, मैं उसके लिए आपको टॉप 25 ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको बेटे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कभी भी अच्छी परसेंटेज नहीं बनती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा किसके काम आता है? पास होने का एक माध्यम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप पास तो हो सकते हैं लेकिन एक अच्छी परसेंटेज कभी नहीं बना सकते। तो आपको अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए 80, 85, 90 इतनी परसेंटेज बनाने के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से डीपली आपने तैयारी की है, अब आपका लास्ट समय आ गया, तो लास्ट समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख के अच्छे से जाते हैं तो अच्छे से हमारा पेपर जो है वो हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ओनली आप 25 क्वेश्चन ही पढ़ो और 25 क्वेश्चन ही पढ़ के आप एग्जाम में बैठ गए तो बेटे इससे आपका नुकसान होगा। आपको ओनली 25 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना है। विकल्प, अति लघु, निश्चित, हर चैप्टर के आपको कंप्लीट आने चाहिए। और इसके बाद जो 4 और 6 अंक के लिए मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो बेटा समझो, पहला क्वेश्चन है गेहूँ की खेती, दूसरा है गन्ना, तीसरा है चना, चौथा है धान और पांचवा है बरसी। ये देखिए, 5 खेती बता रहा हूँ आपको मैं इस बार। 5 खेती आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 खेती में से एक खेती आपकी 100% एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के देखने को मिलेगी। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। 5 खेती की डीपली नॉलेज रखिए। आप डीपली नॉलेज रखोगे
पूरा ए टू जेड कंप्लीट रखोगे तो बेटा ये जो पांच खेती पढ़ोगे इन क्वेश्चनों में भी इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा। तो मैं आपकी बात कर रहा हूं 30+ की, अगर आप 25 क्वेश्चन मेरे बताए हुए कवर करोगे तो लगभग 30+ मार्क्स आपका फंस जाएगा। तो पांच खेती ये पढ़ ली। छठा क्वेश्चन है मिट्टी के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ना है। नेक्स्ट है मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता एंड मृदा उत्पादकता ये पढ़ना है। सातवां क्वेश्चन है मृदा के कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। देखिए मिट्टी का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, किसके आधार पर पढ़ना है, मृदा कणों के आधार पर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको नाइट्रोजन चक्र तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमा जैव उर्वरक और ब्लू ग्रीन एल्गी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बकाया टॉप 25 तो है ही ये। दसवां क्वेश्चन है बर्मी कंपोस्ट कॉमा नाडेम कंपोस्ट। तो टोटल मैंने 10 क्वेश्चन आपके बता दिए, आगे चलते हैं समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, टोटल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल हम 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा चुके हैं, अब हम समझते हैं 10 से आगे। तो बेटा 11वां क्वेश्चन समझिए, 11वां क्वेश्चन है फसलों पर पर्यावरण का प्रभाव, फसलों पर जो पर्यावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये क्वेश्चन तैयार करना है। और आधुनिक कृषि पर प्रभाव, पर्यावरण का आधुनिक कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन और चिपको आंदोलन, क्या करना है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 13वां, वो है जैविक खेती। 14वां क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण तथा इसका प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण तथा इसका प्रभाव। अब इसमें पर्यावरण प्रदूषण में आपको देखो प्रदूषण की बात करें तो मृदा वायु जल प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण आपके बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव कॉमा ओजोन परत, ये टॉपिक्स आपको क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय, भाई पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जब आप वायु प्रदूषण मृदा प्रदूषण जल प्रदूषण पढ़ोगे तो उसके कंट्रोल करने के उपाय भी पढ़ लेना, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चनों में समाहित है, ठीक है आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। 17वां क्वेश्चन रासायनिक उर्वरकों का पर्यावरण पर प्रभाव, तो जो आप रासायनिक उर्वरक मार्केट से लगा रहे हो इनका प्रयोग आप अपनी खेती में करते हो तो बेटा उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन है कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां, कीट को कंट्रोल करने की यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं। 19वां क्वेश्चन है जैविक तथा अजैविक खेती, जिसे बोलते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक, ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक, जैविक तथा अजैविक खादों का प्रयोग। 20वां क्वेश्चन है जल क्रांति से बचने के उपाय। तो लगभग आपने 20 क्वेश्चन समझ लिए। अब आपको बताना चाहूंगा आप पूरी एग्रोनॉमी जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए, उसके प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर, आपको कोई कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप आराम से देखिए, पूरी एग्रोनॉमी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल हमने अब तक 20 क्वेश्चन को समझ लिया, अब आगे क्या है क्वेश्चन टॉप 25 में वो आगे समझिए। क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर 21 बेटे, क्वेश्चन नंबर 21 से देखो खाद डालने की विधियां। टोटल आपने कितने क्वेश्चन समझे 21। अब 21 के बाद 22वां जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो आपको करना क्या है, देखो सभी चैप्टरों के आपको विकल्प पढ़ने हैं, ये 22वां काम करना है और इसमें ही अति लघु सभी सब चैप्टरों के पढ़ने हैं और निश्चित क्वेश्चन सभी चैप्टरों के पढ़ने हैं, ये आपको 22वें नंबर का काम है, ठीक है। 23वां नंबर में आपको ये काम दूंगा कि जितना भी मैंने 22 नंबर तक का जितना भी मटेरियल आपको बताया है इतना आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बेटा, क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक। चलिए बेटे 24वां क्वेश्चन आप समझिए, देखो 23 क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल समेट दिया है और 24वां क्वेश्चन है बेटा वो है आपका पोषक तत्व, कौन सा है पोषक तत्व। अब पोषक तत्व से संबंधित आपको सारी जानकारी पते होनी चाहिए, पौधों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं। तो मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व पूरा पोषक तत्व आपको कंप्लीट करना है। तो बेटे टोटल आपके 24 क्वेश्चन हुए, कितने 24, मैंने 25 की बजाय एक आपका कम करा, कितने 24 दिए। अगर इतना सारा जितना मैंने आपको बताया इतना कवर करते हो तो बेटे 30+ की गारंटी है, 30+ की गारंटी है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर समझो आपका नसीब ही सही नहीं होगा
तो मुश्किल है, तब तो नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा तो आपको इतना तो मिल ही जाएगा। और जितना मैंने आपको काम करा है बताया है, हर चैप्टर के अति लघु, हर चैप्टर के आपको निश्चित, हर चैप्टर के विकल्प, इतना सारा आप कर लेते हो। और जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको दिए 21 और एक 22 क्वेश्चन आपको मैंने दिए, इतना आप कवर करते हो तो गारंटी है पेपर में 40 प्लस आपका जाएगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। जितना मैंने बताया है इतना आप कवर करिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए 8650415957, इस नंबर से आप संपर्क करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियोज चाहिए तो आपको वीडियोज मिलेंगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, सारी टेंशन आप मुझे दे दीजिए, अपनी जितनी भी टेंशन है आप मुझे दे दो, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी A to Z। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।